त्रिभुवन कुमार हैं जोधपुर से। त्रिभुवन साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? त्रिभुवन जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए ऐसा संपर्क नहीं हो पा रहा। सास्केन कम्युनिकेशन पर इनका सवाल था, करीब 320 रुपए के भाव पर खरीदारी है। क्वांटिटी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई कितनी क्वांटिटी है इनके पास, लेकिन 320 रुपए के भाव पर खरीदारी है। किरण आपकी राय कहती है सास्केन पर? करीब 304 रुपए का मौजूदा स्तर है, खरीदारी से 16 रुपए नीचे शेयर कामकाज कर रहा है, वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं, आपकी राय शेयर पर? सुमित जी, मेरी राय होल्ड होगी। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट चार्ट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमने करीबन 200 के लेवल से एक बहुत अच्छी मूव दिखाई दी थी, करीबन 320 तक, जहाँ पे इन्होंने शायद खरीदी की है, और उसके बाद ये टाइम का करेक्शन करते नजर आ रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक के लिए अगर सपोर्ट देखते हैं तो करीबन 290 के करीब बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए 280 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा इस ट्रेड के लिए। और ये स्टॉक और ऊपर जाने की संभावना है, छोटा सा बैरियर है 325 के करीब, और ये अगर निकल जाता है तो इमीडिएट टारगेट यानी शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट करीबन 400 रुपए का होगा। पर अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अगर इस निवेशक का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये 400 रुपए पे बेचना नहीं चाहिए, इन लेवल्स पे रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिल पाएगा। और शायद अगर 1 साल 1.5 साल की ये व्यू रखते हैं तो आपको 540 से 580 के लेवल्स को भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब हमारे साथ राजेश कुमार हैं चंडीगढ़ से अपना सवाल लेकर। राजेश शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 500 कंपनी के 35 पर कब किए हैं परचेज आपने? स्कोप है, 1 साल हो चुका है आपको परचेज करके। चलिए फिलहाल, खैर आपकी आवाज बड़ी साफ नहीं आ रही है, लेकिन 35 रुपए की आपकी खरीद की प्राइस है और फिलहाल ये 3780 पे ट्रेड कर रहा है। एमको एमको लिमिटेड का काउंटर 3780 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 35 की इनकी खरीद है। किरण और रुकना चाहिए, बिकॉज मार्केट अब देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, इनके शायद 1-1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? एमको ने बेसिकली एक अच्छा 35-36 के लेवल्स के करीब अच्छा बेस बनाया है, तो मेरे ख्याल से अगर जब तक इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक आप होल्ड करना चाहिए। हालांकि हमने अगर मिड जून से देखा है तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम करता नजर आ रहा है, पर 34 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिएगा, यही सलाह होगी। और 44-45 के लेवल्स ये स्टॉक अगर जाता है तो वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। 44-45 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के तौर पे ये स्टॉक को मिल जाएगा, और अगर 45 निकल जाता है तो आपको वापस एक बार 53-54 लेवल्स के नजर आने चाहिए। पर अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो ये बहुत बड़ा आउट मार्केट आउट परफॉर्म नहीं रहेगा, तो हायर लेवल्स पे एग्जिट करके कोई अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह होगी। चलिए तो ऊपरी स्तरों पे आप कहीं यहां से निकले और किसी और शेयर में निवेश करें, आपको राय दी गई किरण की।